हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से AI का यूज़ करके बच्चों के लिए स्टोरी एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं और उससे YouTube चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम अपनी कहानी के लिए स्टोरी जनरेट कर लेंगे। स्टेप टू में वॉइस ओवर क्रिएट कर लेंगे। स्टेप थ्री में हम स्टोरी के लिए विजुअल्स यानी कि इमेज क्रिएट कर लेंगे। स्टेप फोर में इन सबको मिलाकर एक वीडियो बनाएंगे। सो चलते हैं स्टेप नंबर वन की तरफ। स्टोरी क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है, फिर उसे यहाँ से साइन अप कर लो। उसके बाद चैट जीपीटी में आपको अपना टाइटल बताना है, आप कौन से टॉपिक पर स्टोरी बनाना चाहते हैं। इसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट यूज किया है और चैट जीपीटी आपको एक स्टोरी क्रिएट करके दे देगा। अब स्टेप नंबर वन कम्प्लीट होता है एक स्टोरी के साथ। स्टेप नंबर टू, वैसे तो काफी सारे टूल्स है लेकिन इसमें हम यूज करेंगे 11 Labs, जिसमें काफी सारे वॉइस मिल जाएंगे आपको। सो बस आपको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देना है और बस ये हो गया क्रिएट। स्टेप नंबर थ्री जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ AI टूल Adobe Firefly, जो कि फिलहाल बेटा टेस्टिंग में है और बिल्कुल फ्री है। इससे आप अपनी हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर सकते हैं। इसे यूज करना बहुत आसान है, बस टेक्स्ट टू इमेज पर क्लिक करना है और उसे हमें एग्जैक्ट बताना है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, और वो सेम टू सेम जनरेट करके दे देगा। इसी तरह आपका इमेज तैयार हो गया है HD क्वालिटी के साथ। अब आते हैं फाइनल और मेन स्टेप की तरफ कि सारी चीज़ों को यूज़ करके हमें वीडियो कैसे क्रिएट करनी है। तो वीडियो यूज करने के लिए आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग ऐप, और मैं यहाँ यूज करूँगा CapCut। तो इसमें हमें सबसे पहले इमेज इम्पोर्ट कर लेना है, फिर ऑडियो ले लेना है और उसके स्टोरी के मुताबिक इमेज को सेट कर लेना है। एंड लास्टली इमेज को हमें थोड़ा इफेक्ट दे देना है इस तरह से, और आप चाहे तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए आपकी किड्स एनिमेशन वीडियो तैयार है। एक जादुई जंगल में पॉली नाम का एक तोता हुआ करता था। वो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसका एक पंख गायब है। उदास महसूस करते हुए उसने अपनी तकलीफ अपने दोस्तों के साथ शेयर की। पॉली की मदद करने के लिए वह सारे दोस्त अपनी अपनी खोज पर निकल पड़े। लियो ने अपने सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया। एला ने ऊंची शाखाओं तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी सूंड का इस्तेमाल किया। रेनी पंख की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमता रहा। जंगल के एक रोमांचक सफर और खोज के बाद उन्हें वह रंगीन पर एक फूलों के बगीचों में मिल ही गया। पॉली को उसका खोया हुआ पंख फिर से मिलता देख जंगल के सारे जानवर झूम उठे। इसी तरह जंगल में फिर एक बार खुशहाली आ गई और सब फिर मिलकर रहने लगे। तो देखा दोस्तों, ये सब कुछ करना कितना इजी है। अब आप भी इसी तरह से किड स्टोरी चैनल यूट्यूब पर बना सकते हो और इसी तरह से वीडियो बनाकर आप भी अर्निंग कर सकते हो। अगर पूरी वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस ट्यूटोरियल पर चाहिए। टेक केयर, फिर मिलते हैं।